दोपहर का समय होता है, घर के सभी लोग एक जगह होते हैं। तभी सास बहू से कहती है, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी, आज खाने में सब्जी रोटी और दाल चावल बनाऊंगी। रोज रोज एक जैसा खाना खा के मैं बोर हो गया हूँ। अरे बहू, आज तो कुछ स्पेशल बनाओ। अच्छा बाबूजी, आप ही बताइए क्या खाएंगे। घर में छोले हैं ना, तो फिर छोले भटूरे बना दो, कुछ तीखा बनाना। बहू मन ही मन कहती है, ससुर जी तो बहुत चटोरे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले मैंने चिली पटेटो बना के खिलाए थे। जा बहू, जाकर इनके लिए छोले भटूरे ही बना दो और हम सभी को एक साथ खाना परोसना। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्दी से गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दो। बहू मन ही मन कहती है, हाँ मेरे तो चार हाथ पैर है ना, अभी बना दूंगी। फिर वो रसोई घर में जाती है और गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर लाती है। उसे देखकर, अरे वाह बहू, तुम तो वाकई में मशीन हो, इतनी जल्दी बना लिया, बहू हो तो ऐसी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खत्म करो अपने छोले भटूरे, बाजार से घर का बहुत सारा सामान लेकर आना है मुझे। और हाँ, आज बिजली के बिल भरने का आखिरी दिन है, जाकर बिल भर देना, नहीं तो कल से बिना बिजली के रहने की आदत डाल लेना। अरे भगवान, क्यों चिंता करती हो, बिल की आज आखिरी तारीख है ना, तो खाकर अभी जाता हूँ और बिल भर कर आता हूँ, चिंता ना करो। फिर वे सास से पैसे लेकर बिजली का बिल भरने बिजली दफ्तर की ओर चल देते हैं। रास्ते में बर्गर पिज्जा की दुकान पड़ती है, ससुर जी से रहा नहीं जाता और वे बर्गर खरीद कर उसे खाने लगते हैं। बर्गर उन्हें इतना पसंद आता है कि वे दो बर्गर खा लेते हैं। अभी वे दूसरा बर्गर खा भी नहीं पाते कि सामने से चाउमीन वाला आता है। चाउमीन वाले को हाथ से इशारा करते हैं, रुक जाओ भाई, एक प्लेट चाउमीन तो बनाना, अगर अच्छी बनाओगे तो एक दो प्लेट और खा लूंगा। इस बार वे तीन प्लेट चाउमीन को भी हजम कर जाते हैं। बिजली का बिल भरना तो उन्हें याद ही नहीं रहता, बस याद रहता है तो बर्गर चाउमीन। उनके खाने पीने में पैसे खर्च हो जाते हैं, उनके पास केवल कुछ ही पैसे शेष बचे थे। ससुर जी सोचने लगते हैं कि अब इतने पैसों में बिजली का बिल तो भर नहीं सकता, क्यों ना इसे कुछ और खा लिया जाए। फिर वे सैंडविच खरीद कर खा लेते हैं। सब पैसे खत्म करके जब वे रात को अपना पेट पकड़ते हुए घर पहुंचते हैं, दरवाजे की चौखट पर से ही आवाज लगाते हैं, बहू बहू, प्यारी बहू। हाँ बाबूजी, क्या हुआ? बहू, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। बहू मन ही मन में, हो ना हो, बाहर से कुछ खा कर आए होंगे। सास भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप तो बिल भरने गए थे ना? हाँ गया तो था, लेकिन पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए, क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें बिजली के बिल से ज्यादा पैसे दिए थे। हाँ, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ भूख का एहसास हुआ तो उसी में सारे पैसे खत्म हो गए। हे भगवान, ये क्या किया आपने, सारे पैसे खर्च कर दिए। अच्छा बताओ, क्या क्या खाकर आए हो? अरे भाई कुछ नहीं, बस दो बर्गर, तीन सैंडविच और तीन प्लेट चाउमीन खाई थी। अब मुझसे कुछ ज्यादा मत पूछो, मेरा पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला दो। फिर डॉक्टर आता है और वे ससुर जी को समझाते हैं कि ये सब बाहरी चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही कम खाना चाहिए, जहाँ तक हो सके इसे इग्नोर करना चाहिए, हमारी सेहत के लिए ये हानिकारक हैं, समझे ना आप। ससुर सिर हिलाकर कहते हैं, जी हाँ। फिर कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। और खाओ बाहर का, इतनी बार समझाया पर अपने चटोरेपन से बाज नहीं आते। हाँ बाबूजी, आप बहुत चटोरे हैं, मैंने आपको छोले भटूरे बनाकर खिलाए तो थे, फिर भी आप बाहरी चीजों को खाकर आ गए। आप अपना ये चटोरापन बंद कर दो, नहीं तो आपकी सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाएगी और आप बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो, अब आगे से मैं कोई भी बाहरी चीज नहीं खाऊंगा। इसके बाद से ससुर जी ने बाहरी चीजें खाना बंद कर दिया और कुछ समय बाद वे एकदम स्वस्थ हो गए।